तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ कक्षा 11 के लिए। देखिए, हम लोग कक्षा 11 में समुच्चय चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 तक क्या कर ली है, फिनिश कर ली है। यदि आप शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके वो पुरानी वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चय का सम्मिलन जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, समुच्चयों का क्या है ये? सम्मिलन। हम लोग यहाँ यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनियन का शाब्दिक अगर अर्थ आप समझे तो इसका क्या मतलब होता है? संघ। क्या होता है? संघ। ठीक है, या आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजों को मिला करके जो बना होता है उसे क्या बोल रहे होते हैं? यूनियन। क्या बोल रहे होते हैं? यूनियन। ध्यान से देखिए, यूनियन क्या होता है कि अगर हम लोग इसकी परिभाषा लिखें या फिर अगर समझने का प्रयास करें, तो मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं जिसमें हमने ए में लिखा है A E I O U, ठीक है, और एक दूसरे समुच्चय B में हमने क्या लिख दिया है? B C D F G H, ऐसे करके हमने इसमें, मतलब पहले वाले समुच्चय में हमने क्या लिखा है? स्वरों को लिखा है, और दूसरे वाले समुच्चय में हमने क्या लिखा है? व्यंजनों को लिखा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि A यूनियन B बताइए, अर्थात समुच्चय A और B का क्या बताइए, सम्मिलन बताइए, तो हम क्या करेंगे? दोनों समुच्चय के अवयवों को आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। दोनों समुच्चय के अवयवों को आपस में मिला के लिख देंगे तो जो हमें समुच्चय मिलेगा वो क्या कहलाएगा? समुच्चयों का सम्मिलन। इसे कैसे पढ़ते हैं? ये जो हमारे पास यहाँ यूनियन का चिन्ह लग रहा है, इसे पढ़ते हैं यूनियन A यूनियन B। क्या पढ़ते हैं? A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B। ये हमारा क्या बताता है कि दोनों समुच्चयों का क्या कर लिए? मिला लीजिए। इसीलिए हमने यहां देखिए बताया है कि समुच्चयों का सम्मिलन। दो समुच्चय जब आपस में मिल रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? समुच्चयों का सम्मिलन कहा जाता है। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन का शाब्दिक अर्थ अगर आप समझे तो संघ होता है, जिसमें हम लोग समुच्चयों को क्या कर रहे होते हैं? आपस में समुच्चयों को क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे से जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप और भी उदाहरण देखना चाहें तो ये देखिए, दूसरा उदाहरण हमारे पास है। कौन सा? मान लीजिए हमने यहां लिखा समुच्चय ए में 1, 3, 5 ... ठीक है, दूसरा समुच्चय हमने क्या लिखा? बी, जिसमें हमने क्या लिखा है? 2, 4, 6, ऐसे ... कर दिया है। मतलब समुच्चय ए में हमने जो लिखा है वो क्या है? विषम संख्याएं हैं। समुच्चय बी जो हमने लिखा है वो क्या है? सम संख्याएं हैं। तो अगर हमें ए यूनियन बी बताना हो तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन, ये यूनियन का सैंपल है, चिन्ह है, और क्या लिखेंगे? बी। ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा क्या? 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। तो आपको समझ में आया होगा कि ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करते हैं और ए यूनियन बी होता क्या है। दो या दो से अधिक समुच्चयों का जब मिलन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं, और उसे किससे? यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट, जिसमें हम समुच्चयों को क्या करते हैं? आपस में मिला के लिखते हैं। तो हम परिभाषा अगर लिखना चाहें इसकी तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे दो या दो से अधिक समुच्चय, या इससे अच्छी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, दो समुच्चय ए और बी में ए तथा बी के अवयवों का सम्मिलित रूप समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। देख लीजिए,
हमने क्या लिखा है, लिखा है दो समुच्चय है हमारे पास, कौन कौन से, ए और क्या है, बी है। उन दोनों समुच्चयों में ए और बी के अवयवों को यदि क्या कर लिया जाए, सम्मिलित रूप में लिख लिया जाए, तो जो समुच्चयों का सम्मिलित रूप होगा उसे समुच्चयों के क्या कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। ठीक है ना, जो समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है, ठीक है, इसे ए यूनियन बी से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ए यूनियन बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। और इसे पढ़ना देख लीजिए, इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। तो आपको समझ में आया कि समुच्चय ए और बी जो हैं, उन दोनों समुच्चयों को क्या कर लेते हैं, उनके अवयवों को सम्मिलित रूप में मिला के लिख लेते हैं, तो जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। अगर आप उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण आपके पास यहाँ है, ठीक है, जिसमें हमने क्या लिखा है, समुच्चय ए में 1, 3, 5 विषम संख्याओं का समुच्चय, और बी में हमने क्या लिखा है, सम संख्याओं का समुच्चय। तो ए यूनियन बी जो हो गया वो पूरा हमारा क्या हो गया, 1 से लेकर के कहां, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें 1 भी है, यहां से 2 है, यहां से 3 है, यहां से 4, मतलब हमारे पास ए से भी अवयव लिखे गए हैं और बी से भी अवयव लिखे गए हैं। ठीक है, इसका अगर वेन आरेख की बात करें, समुच्चयों का समुच्चयों के सम्मिलन का वेन आरेख, ठीक है, अगर हम लोग समुच्चयों के वेन आरेख की बात करें कि ए यूनियन बी का वेन आरेख कैसे बनेगा, ए यूनियन बी, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ठीक, ये हमारा एक ए समुच्चय है, ठीक है, और ये हमारा कैसा दूसरा समुच्चय कौन है, बी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ए यूनियन बी कब कहलाएगा, ए यूनियन बी तब कहलाएगा जब ए क्या अवयव और क्या बी के भी अवयव, किसके अवयव, बी के भी अवयव क्या कर लिए जाएं, साथ मिला के लिख लिए जाएं, तो जो समुच्चय कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। तो इसे जो रंगा हुआ छायांकित भाग आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है ना, अर्थात कि ये जो ए यूनियन बी है, ए के और बी सभी के अवयव क्या कर लिए गए हैं, मिला के लिख लिए गए हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आरेख, वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर हम लोग वेन आरेख के बाद अगर हम लोग किसकी, समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म की बात करें, किसकी बात करें, गुणधर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी, समुच्चयों के सम्मिलन की, कैसी प्रॉपर्टीज, कि अगर हम लोग ए यूनियन बी याद करें, यदि दो समुच्चय हमारे पास क्या हो, ए और बी हो, तो उनका यूनियन निकालें, या हम लोग पहले बी यूनियन ए निकालें, तो दोनों बातें क्या होंगी, सत्य होंगी, अर्थात ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी यूनियन ए होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर हम लोग 3 समुच्चय ले लें, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन पहले बी यूनियन सी कर लें, फिर किसका, ए से यूनियन करें, तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो इसके भी बराबर हो सकता है कि ए यूनियन बी के पहले किया गया हो, फिर बाद में किसके साथ किया गया हो, सी के साथ किया गया हो, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, ये भी बात हमारी क्या होती है, सत्य होती है, अर्थात ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, या हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, ठीक है। आगे देखिए, इसी के गुणधर्म में आगे देखिए, अगर हम लोग देखें कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन फाई, ए यूनियन का हो फाई, समझ रहे हैं आप, फाई क्या था, हमारा रिक्त समुच्चय था, जिसमें हमारे पास क्या है, एक भी अवयव नहीं है। यदि हमारे पास एक भी अवयव नहीं हो, हमारे पास दो समुच्चय हो, एक समुच्चय ए हो जिसमें हमारे पास क्या हो, ए बी हो, और दूसरा समुच्चय हमारा क्या हो, बी हो, क्या हो, बी हो, जिसमें क्या हो, एक भी अवयव ना हो, और हम लोग ए यूनियन बी ज्ञात करें, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए, जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा, इसलिए ए यूनियन फाई क्या, ए यूनियन फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो गुणधर्म है, वो आपको क्या रहने चाहिए, सीधे सीधे याद रहने चाहिए, ताकि क्या होंगे, ये जब हम लोग सवालों को लगाएंगे तो ये सीधे सीधे स्पष्ट करेंगे हमें, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगली वाली प्रॉपर्टीज क्या है, अगली वाली प्रॉपर्टीज है कि यदि हम किसी भी समुच्चय का उसके साथ ही उसका यूनियन निकालेंगे,
उसके साथ ही उसका यूनियन निकालेंगे तो भी जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है ना। यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग क्या करें, किसी यूनियन के साथ, किसी यूनियन समुच्चयों का संघ हम लोगों ने पढ़ा था, समुच्चयों के प्रकार में हमने क्या पढ़ा था, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का जो संघ पढ़ा था उसमें यूनियन था, यूनियन समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोगों ने किसे, यू से प्रदर्शित किया था। अगर यू है और यू का यूनियन निकाल रहे हैं किसके साथ, ए के साथ, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, यू मिलेगा। तो आपके पास कुल मिला जुला कर कितनी प्रॉपर्टीज हुई, 5 प्रॉपर्टीज हुई, किससे, किससे, समुच्चयों के सम्मिलन से, ठीक है ना। पहली क्या है, ए यूनियन बी बराबर क्या है, बी यूनियन ए, ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, मतलब कि पहले हम लोग बी यूनियन सी निकाल लें, फिर उसके बाद उसका यूनियन किससे करें, ए से करें, या हम लोग पहले ए यूनियन बी निकाल लें फिर उसका यूनियन किससे करें, सी से करें, या हमारे पास अगला विकल्प है ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई। अगर हम लोग ए का यूनियन कर रहे हैं किसी समुच्चय, ऐसे समुच्चय से जिसमें एक भी अवयव नहीं है, तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है, ए ही मिलने वाला है। तो ये रहा आपका वेन आरेख, और ये रही क्या आपकी परिभाषा, और ये रहा आपका क्या उदाहरण, और ये क्या है उसके गुणधर्म है, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, तो हमारे पास एक और भी टॉपिक है इसी में पढ़ने के लिए, वो क्या है, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, इसे बोल रहे हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, समुच्चयों का संघ। ध्यान से देखिए, समुच्चयों का संघ क्या है, समुच्चयों के संघ में हमारे पास क्या है, सर्वनिष्ठ, क्या सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ को अगर आप समझें तो इसे समझ सकते हैं कॉमन नामक शब्द से, किसे समझ सकते हैं, कॉमन से समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखिए, सबसे पहले तो उदाहरण हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए कि दो समुच्चय कौन है, ए और बी, कैसे हैं, मान लीजिए हमने लिखा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे वाले समुच्चय हमने क्या लिख दिया, बी, बी में हमने लिख दिया 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो समुच्चयों के सम्मिलन का उल्टा होता है, इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, ये हो गया हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ए और बी में जो सर्वनिष्ठ हो, जो क्या हो, अपनी शाब्दिक भाषा में कॉमन हो, वही लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए, ए में कौन है, 6 है, यहाँ भी कौन है, 6 है, यहाँ कौन है, 7 है, यहाँ भी कौन है, 7 है, यहाँ कौन है, 8 है, यहाँ भी कौन है, 8 है, तो यहाँ जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 7 और 8, ठीक है ना। ये हमारा रहा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या लिखा जा सकता है, ए 6 7 8, अर्थात दो जो समुच्चय दिए गए हैं उन दोनों समुच्चयों में जो अवयव सर्वनिष्ठ होता है वह क्या कहलाता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो परिभाषा हम लोग लिख रहे हैं, परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे, दो समुच्चय क्या लिख देते हैं, दो समुच्चय ए व बी में, ए व बी में उभयनिष्ठ, ए और बी में उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, सर्वनिष्ठ या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय सर्वनिष्ठ कहलाता है, ठीक है। इसे ए इंटरसेक्शन बी, इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, हमने आपके लिए क्या रखा है, उदाहरण रखा है, फिर से देख लीजिए, हम लोग देखेंगे दो समुच्चय जो हमें दिए जाएंगे उन दोनों समुच्चयों में, उन दोनों
समुच्चयों में क्या करेंगे, जो कॉमन अवयव रहेंगे वही लिखे जाएंगे, तो वो उससे बना समुच्चय जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका वेन आरेख देख लीजिए, वेन आरेख वेन आरेख क्या हो जाएगा, वेन आरेख बना रहे हैं हम लोग। देखिए वेन आरेख कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, हमारे पास जो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लिया है, दो समुच्चय, एक ए है और दूसरा कौन है, बी है, ठीक है। ये कौन है, ए, और ये कौन है, बी, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जो बी में भी है, और ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जो किस में है, ए में भी है, समझ गए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी वाले भाग को क्या करेंगे, रंग देंगे, अर्थात इसे अगर ऐसे रंग दें तो ये जो बन के आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ये वाली चीज ए में भी है और ये वाली चीज बी में भी है, अर्थात क्या है, वो कॉमन है दोनों में, क्या है, कॉमन है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्या बनेगा, हमारा वेन आरेख बनेगा किसका, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का जो वेन आरेख बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। ए और बी में जो उभयनिष्ठ रहेगा वो क्या रहेगा, रंगा जाएगा, छायांकित किया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो पढ़ेंगे क्या, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का क्या, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म। जैसे अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, समुच्चयों के सम्मिलन का क्या गुणधर्म, वैसे ही हम यहां पढ़ रहे हैं समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का क्या गुणधर्म, ठीक है ना। देखिए यदि दो समुच्चय क्या हैं, ए और बी हैं, दो समुच्चय क्या हैं, ए और बी हैं, तो उसमें हम लोगों ने यदि ए का बी से इंटरसेक्शन किया है, ए को बी से क्या किया है, इंटरसेक्शन किया है, तो इसे हम लोग दूसरी भाषा में अगर लिखें, दूसरे शब्दों में कहना चाहें, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए, भी बात जो है वो क्या है, सत्य है। ए का बी में उभयनिष्ठ या बी का ए में उभयनिष्ठ, दोनों बातें क्या हो सकती हैं, सत्य हो सकती हैं और एक ही होंगी, ठीक है ना। आगे देखिए, यदि हम लोग क्या करें, ए का इंटरसेक्शन करें बी से और पूरे का इंटरसेक्शन कर दें सी से, ठीक है, तो इसी बात को जो दूसरे तरीके से लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, अगर उसे लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और बी, सबसे पहले किसका किसका इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ए और बी से जो मिला है उसका सी के साथ इंटरसेक्शन जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए का इंटर, बी और सी के इंटरसेक्शन के बाद ए के इंटरसेक्शन के, ठीक है ना। आगे देखिए, इसी प्रकार यदि हम लोग क्या कर रहे हो, फाई का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो किसके साथ, ए के साथ, किसका निकाल रहे हो, फाई का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो ए के साथ, फाई का इंटरसेक्शन, तो ध्यान से देख लीजिए, हमने मान लीजिए समुच्चय ए लिया जिसमें क्या ले लिया है, ए और बी ले लिया है, दूसरा समुच्चय क्या ले लिया है, बी, जो क्या है, रेखीय समुच्चय फाई है, तो अगर इसका और इससे क्या निकाल रहे हो, हम लोग क्या निकाल रहे हो, सर्वनिष्ठ निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, सर्वनिष्ठ निकाल रहे हो, हमें यहाँ एक भी ऐसा अवयव नहीं मिल रहा है जो क्या होगा, सर्वनिष्ठ हो, जो क्या हो, सर्वनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हमें फाई ही मिलेगा, क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, ठीक है ना। तीन बातें हो गई, आगे देखिए, आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक और भी बात कर सकते हैं कि हम लोग यदि यूनियन निकालें, क्या सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालें ए के साथ, इंटरसेक्शन निकालें ए के साथ, तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है ना, ये भी बात इसी में है, ठीक है। अगली बात देखिए, अगली बात के लिए अगर हम लोग कहें कि यदि हम लोग किसी भी समुच्चय का स्वयं से इंटरसेक्शन निकालें, किसी समुच्चय का स्वयं से इंटरसेक्शन निकालें, तो भी हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, वह स्वयं का समुच्चय ही मिलेगा, ठीक है ना। यदि हम लोग आगे देखें कि हम लोग यदि क्या निकालें, ए निकालें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालें, तो ये वाली बात जो हो जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर कैसे लिखी जाएगी, यूनियन, क्या लिखी जाएगी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, कैसे लिखी जाएगी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन का यूनियन लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपस में तब सत्य होंगी जब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए हो, और तब बराबर होगा वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इस प्रकार
समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? समाप्त होता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारे पास एक और भी टॉपिक है पढ़ने के लिए, जिसका क्या नाम है? समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का क्या है? अंतर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं अंतर समुच्चय। क्या बोलते हैं? अंतर समुच्चय। या हम लोग समुच्चयों का अंतर भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय कौन है, ए और बी है। ठीक है, तो हम लोग इसे अंतर समुच्चय यदि हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। अंतर का क्या मतलब है? माइनस है, तो हम लोग लिख दिए क्या? ए माइनस बी। इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि बी माइनस है। क्या? बी माइनस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाता है? अंतर समुच्चय होता है। क्या होता है? अंतर समुच्चय होता है। ठीक है ना, पहले उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, दो समुच्चय। एक समुच्चय हमारे पास क्या है? ए, जिसमें हमने लिख दिया 2, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, दूसरा समुच्चय हमने लिखा क्या? बी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, हमसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी। क्या पूछा जा रहा है? ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए माइनस बी का मतलब है कि समुच्चय ए का वह अवयव, ध्यान सुनिएगा, समुच्चय ए का वह अवयव जो बी में ना हो। समुच्चय ए के वे अवयव, हमारे पास दो समुच्चय दिए जाएंगे और उन दोनों समुच्चयों से उसमें से क्या पूछा जाएगा? समुच्चयों का अंतर पूछा जाएगा। तो हम ध्यान देंगे कि जो लिखा जाएगा उसमें सबसे पहले वाले पर ध्यान देंगे कि लिखा है ए माइनस बी। क्या लिखा है? ए माइनस बी, अर्थात समुच्चय ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। समुच्चय ए के वे अवयव जो बी में नहीं है वो क्या कहलाएंगे? समुच्चय ए माइनस बी, अर्थात दो नहीं है, चार नहीं है, बस हमारे पास दो और चार ही बचे हैं। यहाँ क्या क्या लिखा जाएगा? दो और चार लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चयों का अंतर। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़े तो देखें बी माइनस ए। क्या देखें? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए अगर देखें तो हम लोग क्या कह रहे हैं? जो पहले लिखा जाना है उस हमारा ध्यान उसी पे होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं? बी के वे अवयव, बी के वे अवयव जो ए में ना हो बी माइनस ए कहलाएगा। तो बी के कौन कौन से अवयव हैं? पांच भी है, छह भी है, सात भी है, आठ है। मतलब पांच छह सात आठ दोनों आपस में क्या है? मिल रहे हैं। हमारे पास कौन कौन है? 9, 10, 11 नहीं है, तो आंसर में हो जाएगा 9, 10, 11। ठीक है ना, b माइनस ए में क्या हो जाएगा? 9, 10 और 11। ठीक, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी, ये हमारा b माइनस ए। आई होप आपको समझ आया होगा। परिभाषा लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे? किन्हीं दो समुच्चय, किन्हीं दो समुच्चय में, किन्हीं दो समुच्चय में अंतर समुच्चय, किन्हीं दो समुच्चय में अंतर समुच्चय अंतर समुच्चय में अंतर समुच्चय में पहले समुच्चय, पहले समुच्चय, पहले समुच्चय के वे अवयव, वे अवयव जो दूसरे समुच्चय, दूसरे समुच्चय में ना हो, दूसरे समुच्चय में ना हो, ना हो अंतर समुच्चय कहलाता है। ना हो, हमने पहले लिख लिया है कि दो समुच्चयों में अंतर समुच्चय जो होता है वो पहले समुच्चय के अवयव जो दूसरे समुच्चय में ना हो कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, अर्थात अर्थात क्या लिख सकते हैं हम लोग? अर्थात अर्थात पहले समुच्चय के, सांकेतिक भाषा में इसे लिख दिया जाए। ठीक है,
दूसरे समुच्चय में ना हो कहलाता है माना। दो समुच्चय माना, दो समुच्चय ए व बी, दो समुच्चय ए व बी है तो समुच्चय का अंतर ए माइनस बी से लिखा जाएगा। ठीक है, वेन आरेख देख लीजिए, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। वेन आरेख सबसे पहले तो हम लोग क्या बना लेते हैं, एक यूनिवर्सल बना लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया हमारा। ठीक है, इसमें हमारा ये जो समुच्चय है वो कौन है, ए है। ये दूसरा जो है वो कौन है, बी है। ये रहा ए और ये रहा कौन, बी। ठीक है, अगर हम लोग ए माइनस बी लिख रहे हैं तो ए के वे और जो बी में ना हो, अर्थात अगर इस वाले पोर्शन की बात करेंगे हम लोग तो ये वाला जो पोर्शन रहता है वो क्या कहलाता है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और जब पूरा भाग छायांकित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। अगर हम लोग देखें तो हम लोग ए को इसके साथ इसके साथ, ये देखिए जो जिस भाग को हम छायांकित कर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा अवयव कहलाएगा, ए वाला आएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए माइनस बी। ठीक है ना, इसी प्रकार यदि हम लोग बी को छायांकित कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, बी माइनस ए कहलाएगा। ठीक है ना, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।